एक मरतबे सूफी साहब थे, तो ये हुआ कि भाई ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, वजू नहीं है, तो अल्लाह का जिक्र कैसे करें? आप फरमाते हैं खामोश रह के भी तो खुदा का जिक्र हो सकता है। मौलाना इकबाल साहब बड़ा देखें, फरमाते हैं सूफी साहब क़िबला खामोशी के साथ बैठे हुए हो और ज़ोर से ज़बान के हिलाने पर पाबंदी हो, तब भी तो अल्लाह का, उसके रसूल का जिक्र हो। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं कि ज़बान बंद कर लो, दिल ही दिल में अल्लाह उसके रसूल को याद करते रहो, नेकियां तुम्हारे हिस्से में आती रहें। याद करते रहो, भूल जाते हो अल्लाह को, भूल जाते हो। खुदा की कसम ये याद, अल्लाह उसके रसूल की याद बाद में आती है, पहले अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से यादों का गिफ्ट आपको अता किया जाता है। अल्लाह गाफिल नहीं अपने बंदों से। आइए देखें, माँ बहनें बैठी हुई हैं, इन बातों को याद रखिएगा, कुछ इसमें पुरानी बात भी अगर आ जाए तो समझिएगा। बसरा की ज़मीन है, एक लड़की है, बसरा बड़ी अजीम ज़मीन है बसरा की, कुवैत के बॉर्डर पर है, बगदाद शहर से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर है ये शहर। इस शहर में वो सहाबी रसूल लेटे हुए हैं जो हुजूर के पापा जनाब ज़ुबैर बिन अवाम की सूरत में है। ये नाम बड़ा प्यारा है। इनके बेटे को मक्के का गवर्नर कहा जाता था, जिनको अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर के नाम से याद किया गया, जिनको काबे के अंदर शहीद किया गया। इसी बसरा में एक ऐसे बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम सुन के दिल कहता है सुभान अल्लाह कह दिया जाए, जिन्होंने अल्लाह के नबी की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है, जो मौला अली के खलीफा हैं, जिन्हें दुनिया ख्वाजा हसन बसरी कहती है। ख्वाजा उनके बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनसे ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए वो जाया करते थे, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह की ज्यारत की, जिनको ये उलमा इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानते थे। जिनके यहाँ ये जाते थे उनको इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन कहा जाता है। इसी बसरा शहर के किनारे पर वो सहाबी लेटे हुए हैं जिनको हुजूर ने 10 खुशकिस्मत जन्नती होने की बशारत देने वालों में शामिल किया है, जिनका नाम तलहा बिन उबैद रदी अल्लाह तआला। उनके करीब में बसरा शहर से बाहर वो अजीम सहाबी रसूल लेटे हुए हैं जिनका नाम सुन के कोई बोले न बोले आशिक रसूल बोलेगा, जिन्हें दुनिया हजरत अनस बिन मालिक के नाम से जानते हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आपने भी तो नौकर पाल रखे हैं, आपने भी तो मजदूरों को बुला के रखा, ये काम करो ये काम करो, थोड़ी सी लेट करते हैं तो आप डांटते हैं गालियां देते हैं। हुजूर के ये गुलाम थे जनाब अनस बिन मालिक। किसी ने हुजूर के इंतकाल के बाद पूछा, अय अनस बिन मालिक, तुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी खिदमत लेते थे? मेरी माँ बहनें सुने, जिनके घरों में झाड़ू पोछा लगाने वाली औरतें आती हैं तो इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम अनस बिन मालिक, सुभान अल्लाह, फिर से बोले, इनसे पूछा गया, तुमने हुजूर के घर की सब्जियां लाई हैं, हुजूर के घर में खिदमत की है, दरवाजे पर झाड़ू लगाया, खिदमत की है, ये बताएं अनस बिन मालिक की हुजूर तुम्हारी तुमसे कैसी खिदमत लेते थे, हुजूर तुमसे कैसे काम करवाते थे, क्या कहते थे, ये करो वो करो वो करते? जनाबे अनस बिन मालिक रोने लगे, रोने लगे, रो के बोले, ऐ सवाल करने वाले तुझे मैं क्या बताऊं हुजूर मुझसे कैसी खिदमत लेते थे। अनस बिन मालिक कहते हैं, खुदा की कसम जिंदगी में 10 साल के आसपास मदीने में हुजूर के घर में था, मैंने हुजूर की उतनी खिदमत नहीं की जितना मेरा काम हुजूर अपने हाथों से कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। दुकानों में बैठे हैं, गरीब मजदूर को रखा है एक महीने की पगार के लिए, उसे बे ते अबे जालिम गालियां देके बात करते हैं, कैसे हुजूर का किरेक्टर हमारे अंदर आएगा? माएँ हैं किसी गरीब झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत को जलील निगाहों से देखती हैं, कैसे बरकतें हमारे घर में आएंगी? इसी शहर में जनाब अनस बिन मालिक लेटे हुए हैं, मैंने उनके रोज़े पर हाज़िरी दी है, मेरी दुआ है जितनी जूतियाँ यहाँ रखी हैं चप्पलें रखी हैं सब मेरे सर का ताज बन जाएँ। अय मेरे मौला, मेरे इन भाइयों को माँ बहनों को पर्दे के साथ एक दिन अनस बिन मालिक के रोज़े की हाज़िरी का शरफ अता फरमा दो। इसी बसरा शहर में वो ताबई लेटे हुए हैं जिनको हजरत अब्दुर्रहमान कहा जाता है। इसी बसरा शहर में वो लड़की पैदा हुई जिसे दुनिया राबिया बसरी कहती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
मुझे गौस पाक की अम्मी जान के सदक़े में, राबिया बसरी के सदक़े में, गरीब नवाज़ की बेटी मखदूमा बीबी हाफिज़ा जमाल के सदक़े में, जिसके हिस्से में मखदूम कायनात का फैज़ आया, मुझे वो नाम बड़े पसंद हैं। इसी शहर में अनस बिन मालिक भी लेटे हुए हैं। इसी शहर में ज़ुबैर बिन अवाम की मज़ार शरीफ के करीब में एक सहाबी रसूल की मज़ार शरीफ है। मैंने ये बात इससे पहले बताई थी, अगर आपको याद है तो फिर सुन लें, नहीं याद है तो इसे याद कर लें, इंशाल्लाह काम आएगी। ज़ुबैर बिन अवाम के रोज़े से बाहर निकलेंगे, उसी मस्जिद ज़ुबैर बिन अवाम में किनारे पर एक सहाबी रसूल की मज़ार शरीफ है। उनका नाम है हज़रत उतबा बिन गज़वान, मशहूर नाम है, आपने सुना भी होगा, हजरत उतबा बिन गज़वान। दो मरतबे हो गया, फिर कहता हूँ ये नाम, हजरत उतबा बिन गज़वान। अब ये नाम आप लें, सब बोले, सब बोले, क्या नाम लिया? हजरत, हाँ तो उठा के बोले, हजरत उतबा, ऐन ते बे है, उतबा बिन गज़वान। नाम याद रहेगा, अगर आधे घंटे के बाद किसी ने पूछा क्या नाम था, क्या बताओगे? आवाज़ कमज़ोर आ रही है, हजरत उतबा बिन गज़वान। वो लड़के सुने जो हमारी मिजाज के हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर रातों को हम खेल तमाशा, गाने बजाने, औरतों के नीम उड़िया लिबास को देखते हुए फजर की नमाज खा डालते हैं और समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए दोस्तों, अगर कोई नहीं देखता ना तो हम भी देखने के लायक ना होते। ये कैसे कह दिया कोई नहीं देख रहा है? मैं बताऊंगा। जनाबे उतबा बिन गज़वान कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक जंग के मौके पर गया था। एक दुश्मन को मैंने हमला करने के लिए दौड़ाया, वो भागा। जनाबे उतबा कहते हैं, मैं उसे उसके ताकुब में उसके पीछे गया। जब उसके पीछे मैं दौड़ता रहा तो करीब गया तो मैंने मारा, वार किया तो नीचे गिर पड़ा। जब वो नीचे गिर पड़ा तो मैं घोड़े से उतर के उसको ज़बह करने के लिए, जो मामूल था जंग के मैदान में, कोई लड्डू थोड़ी खिलाता है भाई, जिसकी ताकत उसको गिरा दे पोजीशन को। कहा मैं जब उसे ज़बह करने के लिए तलवार निकाली, उसके बालों को पकड़ा, मैं इसकी गर्दन मार दूं, तो जनाबे उतबा बिन गज़वान कहते हैं, सामने एक पर्दा का खेमा था, कपड़े का खेमा, पर्दा कमरा था, उसके करीब से, दरवाजे के करीब से एक लड़की बड़ी हसीन खूबसूरत निकली। जनाबे उतबा बिन गज़वान कहते हैं, लड़की पर्दे को हटा के देखने लगी, ये क्या हो रहा है? वो किसी फौजी की लड़की थी और दंग रह गई। मैं उसकी गर्दन पकड़े हुआ था, मैंने सोचा इसे गर्दन मार दूं, धड़ अलग हो जाए, सर अलग हो जाए। जनाबे उतबा कहते हैं, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, मैं दुश्मन को मारने के बजाय उसको देखने लगा, अपनी आँखें बंद करके टिकटिकी बांध के उसे देखता रहा। उसके होंठ बड़े प्यारे थे, उसका रुखसार बड़ा प्यारा था, उसके चेहरे में जाज़बियत थी, वो खिंचाव बहुत था। मैं उस लड़की को देखने, कितनी हसीन लड़की है, इसके लब, इसके रुखसार कितने प्यारे हैं। जनाबे उतबा बिन गज़वान कहते हैं, बस देख ही रहा था, अचानक मुझे हुजूर याद आ गए, अचानक मुझे हुजूर याद आ गए, मैं संभल गया। अंदर से आवाज़ आई, ए उतबा, तुझे शर्म नहीं आती? जिन आँखों से हुजूर को देखता है, उन आँखों से लड़कियों को देखता है? जनाबे उतबा बिन गज़वान कहते हैं, मैंने अपनी तलवार का मूढ़ा जो है ना, यूं घुमा लिया, नोक उसकी आगे की तरफ थी, उधर की, यूं घुमा करके मैंने अपनी उसी दाहिनी आँख के इस हड्डी के एरिए में ज़ोर से मैंने मारा, तो जनाबे उतबा कहते हैं, वो आँख मेरी जो है ना, निकल के बाहर आ गई। जब निकल के बाहर आ गई तो जनाबे उतबा कहते हैं, मैंने उसे अपने पैरों से मसल दिया, वो मेरी आंख जमीन की मिट्टी से चिपक गई, और मैंने रो करके कहा, आए मेरा मरा, मैं उन आंखों को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो आमिना के लाल के चेहरे के अलावा किसी और को चेहरे के देखना चाहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर इनका दिल हुजूर की, हुजूर के रब की मोहब्बत से सरशार होता है तो इन्हीं के जिक्र के हमेशा मीनार और गुंबद बुलंद होते रहते हैं। शहरों की बुनियाद तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन शहर का बादशाह वही होता है जिसके गुंबद और मीनार बाकी रहते हैं। मुल्क में बड़े बड़े बादशाह नज़र आते हैं, लेकिन गुंबद और मीनार उसी के चमकते हैं जिसको दुनिया अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के नाम। नोटों पे जिनके नाम की तस्वीरें हैं उनकी कब्रों की धज्जियाँ उड़ रही हैं, और गरीब नवाज का गुंबद आज भी अजमेर में चमक रहा है।
समझ रहे हैं आप, अबू जहल ने हुजूर को मिटाना चाहा। अबू जहल की कब्र के नामो निशान बाकी नहीं है, लेकिन गुंबदे खदरा मदीने में आज भी चमक रहा है। हाँ, अबू लहब ने काबे की हुरमत को पामाल करना चाहा, अबू लहब की कब्र के निशान मिट गए बद्र के मैदान में। मैं रमजान में गया था, उसकी कब्र के करीब खड़े हुए कुएं के नीचे, मैंने कहा मर गया जालिम अबू जहल, मर गया जालिम अबू लहब तो मक्के में दफन हुआ, किसी की कब्र के निशान बाकी नहीं है। लेकिन ये अबू जहली अबू लहबी जिस काबे की अजमत को पामाल करना चाहते थे, आज वो काबा अपने मुबारक जुजदान गिलाफे काबा से लिपटा हुआ मुस्कुरा रहा। वो इब्ने साद यजीद शिमर खोली ये जितने लोग थे, वांटेड लोग थे, जिन्होंने इमाम हुसैन को हुजूर के नवासे की अजमतों के चिराग को बुझाना चाहा, आज किसी की कब्र बाकी नहीं है। लेकिन खुदा की कसम करवला जाके देखें तो इमाम हुसैन के रोजे पर 25 टन सोना लगा हुआ और 200 किलोमीटर दूर से अंधों को भी नजर आ जाता है। इधर चमक है, इसका मतलब रोजे हुसैन इधर है। 1800 यजीदी मैदान करबला में मारे गए, 1800 यजीदी मारे गए, किसी की कब्र के नामो निशान तक बाकी नहीं है। लेकिन खुदा की कसम वफाओं के बादशाह मौला अब्बास का रोजा आज भी चमक रहा है। समझ रहे हैं आप, कहां है वो पृथ्वीराज, कहां है वो जिसने नफरत की है इंसानों से। हिंदुस्तान के भले ही वो गैर मुस्लिम हिंदू ही सही, उनकी बेटियों की इज्जतें लूटी है लोगों ने, इनके फौजियों ने यहां के लोगों को जलील समझा है, गरीब तबके के निचले तबके के लोगों को थर्ड क्लास का समझा है, इनसे अपने घरों की गंदगियां साफ कराई हैं, इनकी प्लेटों को छू लिया करते थे, उनके हाथ काट लेते थे। ऐसे ऐसे लोग इस हिंदुस्तान में आए उस टूटे हुए मुआशरे को जोड़ने के लिए, अल्लाह के नबी ने उसे भेजा है जिसे अताए रसूल कहते हैं। न वो सलामत है जो इंसानियत के दुश्मन थे, न वो सलामत है जो मुआशरे के दुश्मन थे, न वो सलामत है जो अल्लाह उसके रसूल के नाम को मिटाना चाहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल्ली चले जाओ तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का रोजा मुस्कुरा रहा है, महबूब इलाही का रोजा मुस्कुरा रहा है, ख्वाजा बाकी बिल्ला चमक रहे हैं, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी चमक रहे हैं, माई साहिबा का दरबार चमक रहा है। कलियर चले जाओ तो सरकार साबिर पाक मुस्कुरा रहे हैं, और सिमना चले जाओ तो उनके सीने पर हुकूमत करने वाले सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के चोचा शरीफ पे चमक रहे हैं। देवा शरीफ चले जाओ तो सरकार वारिस पाक गुम्बद चमक रहा है, करीब में मसौली शरीफ है, सरकार मसौली के रोजे की चमक जाके देखो। बरेली चले जाओ तो आला हजरत का मुफ्ती आजम का रोजा चमक रहा है, मारा चले जाओ तो सरकारा ने मारा शरीफ बिलग्राम कालपी के मशाइख कराम के रोजे चमक रहे हैं। इनको मिटाने वालों के नामों निशान मिट गए, ये इसलिए बाकी हैं कि इनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, ये तन्हाई में रह करके भी, इनके पास गरीबी रहती थी फिर भी अल्लाह उसके रसूल के नाम की मदद बाकी रहती थी।